अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KooKingK.com। आज हम बना रहे हैं पोटैटो ब्रेड बॉल्स। तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो अदद आलूओं को बॉईल कर छील लिया है। एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ली है। आधा कप कटा हुआ धनिया और पुदीना लिया है। आधा कप कटा हुआ हरा प्याज, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, दो अदद कटी हुई हरी मिर्चें, एक खाने का चम्मच कुटा हुआ जीरा और धनिया, एक चाय का चम्मच हल्दी, डेढ़ चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। तो सबसे पहले एक बाउल में आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरा प्याज, कटा हुआ धनिया और पुदीना, कुटा हुआ जीरा और साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, नमक, साथ ही इसमें मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को एक कांटे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इसके मैंने किनारों को कट कर लिया है। अब बॉल बनाने के लिए हम एक पीस लेंगे, इसे पानी से हल्का सा गीला करेंगे ताकि जब हम इसका बॉल बनाएं तो ये इजीली बन जाए। इसे हल्का सा पानी से गीला करते जाएंगे और पंच करते जाएंगे। अब इसके दरमियान में हम तैयार किए हुए आलू की स्टफिंग रखेंगे और इसे साइडों से फोल्ड करते हुए इसका एक बॉल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम लगाते जाएंगे ताकि इसका बॉल इजीली बन जाए। अब हाथों की मदद से इसे राउंड राउंड घुमाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल तैयार किया है, बाकी के तमाम भी इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा ले लिया है, इसे फेंट लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे, इसे अंडे में अच्छे से डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक भी ले सकते हैं या फिर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। बॉल को हम ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट करेंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएंगे ताकि इसका शेप राउंड ही रहे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल रेडी कर लिया है, बाकी के तमाम भी इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और बाद में इजीली फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कर ब्रेड बॉल्स को ऐड करेंगे और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर बॉल्स हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। बाकी के तमाम बॉल्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार ब्रेड बॉल्स तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप इसे अपनी फेवरेट सॉस के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।